हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दलजीत कौर को पति से मिला है धोखा और इन दिनों काफी ज्यादा तड़प रही है दलजीत कौर। लगातार उनकी दूसरी शादी टूटने की कगार पर है और ये जो उनको दुख मिला है वो इससे काफी ज्यादा परेशान है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। अभी एक साल पहले ही उन्होंने केनिया के बिजनेसमैन निखिल पटेल के साथ शादी रचाई थी। शादी 18 मार्च को मुंबई में हुई थी और शादी के बाद जो दलजीत है वो अपने पति के साथ केनिया शिफ्ट हो गई थी, लेकिन शादी के 10 महीने बाद दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई और अब वो मुंबई वापस लौट आई है अपने बेटे के साथ। और बीते दिनों जो निखिल है उन्होंने दलजीत को लीगल नोटिस भेजा और अब दलजीत कौर ने पति की धमकी के बीच दलजीत ने एक बार फिर से निखिल का पर्दाफाश कर दिया है, निखिल को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है, उनका सच सबके सामने ला दिया है। और उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अब फिर से दो पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें पहली पोस्ट में उन्होंने केनिया के घर में लगी पेंटिंग की झलक दिखाई है जिसे दलजीत ने शादी के बाद खुद अपने हाथों से बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पेंटिंग के साथ कैप्शन में लिखा, दीवार की पेंटिंग मिटा दोगे लेकिन सच को कैसे छुपाओगे, सच कभी नहीं छुपता, सच इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो मिट जाए। यही नहीं, इसके अलावा दलजीत ने पति निखिल की एक पोस्ट को इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर किया है और पोस्ट देखकर पता चल रहा है कि निखिल ने केनिया में एसएम नाम की लड़की के साथ पार्टी की है और दोस्तों के साथ डिनर डेट को एंजॉय किया है। निखिल ने डिनर डेट की वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर की, जिसे दलजीत ने अपने सोशल मीडिया पर रीशेयर करके पति की पोस्ट को शेयर करते हुए दलजीत ने लिखा, ओ ये प्यार रुके नहीं रुक रहा, इतने सारे नोटिस भेज दिए मुझे और तुम खुद उसके साथ की चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। निखिल शायद तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, शायद तुम्हें मुझे पोक करना बंद कर देना चाहिए। निखिल की पोस्ट और बयानों से ये साफ है कि मूव ऑन वो कर चुके हैं और अब दलजीत अकेले तड़पती नजर आ रही है। वैसे वाकई में दलजीत की जिंदगी में ये नया मोड़ इस तरह से आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इस वीडियो में इतना ही।